तो गाइज यार आज के इस वीडियो में यार हमने एक काफ़ी कमाल का चीज़ बनाया है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप ये चीज़ बना लेते हो तो। गाइज यार आप ये चीज़ देखो, नॉर्मल से हमारा जो माचिस होता है 1 से 2 रुपए में मिल जाता है, अब तो इसका दाम भी बढ़ गया गाइज, ये 2 रुपए में मिलने लगा है। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये नॉर्मल सा माचिस आपको लग रहा होगा गाइज, लेकिन ये आप गलत हो इस जगह पर, क्योंकि यार इसको मैंने डिजिटल माचिस बना दिया है। अब चाहो तो इससे आग भी लगा सकते हो और चाहो तो आप किसी से बात भी कर सकते हो, किसी को शक नहीं होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है। तो सभी को लगेगा ये नॉर्मल सा माचिस है, लेकिन आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके या ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लो अपने मोबाइल के, और फिर जिससे चाहो जितनी बातें करो, और यार इससे चाहो तो गाना भी सुन सकते हो जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, सो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए, सो लेट्स बिगिन स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो गाइस यार हमें माचिस ब्लूटूथ बनाने के लिए सबसे पहले हम माचिस खोलेंगे, उसके बाद इसकी सारी तीलियों को मैंने निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर गाइज मेरे पास है एक ब्लूटूथ का मशीन जो ख़राब हो चुका था पहले से, इसका स्पीकर, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है, और बिल्कुल इसका मशीन ठीक है तभी हमारा ब्लूटूथ काम करेगा अच्छे से। और इसको लेंगे, उसके बाद यार हमारे पास एक मोबाइल था ख़राब वाला, उसका मैंने यहाँ पर स्पीकर निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको दोबारा मैंने सोल्डिंग कर दिया है ताकि इसकी यहाँ पर पत्ती से, ताकि आप देख पा रहे हैं गाइज। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले यार हम इसको अच्छे से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ छेद कर दिया है ताकि इसका आवाज़ बाहर की तरफ आए, और यहाँ पर हम इसको लगाकर चिपका देंगे फेविकोल की सहायता से। तो सबसे पहले फेविकोल को तोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो कई जर इसके अंदर हम थोड़ा सा लगाएंगे ताकि ज़्यादा हमारा ना रहे वरना तुरंत चिपक जाएगा। तो कई जर स्पीकर को मैंने चिपका दिया है, और अब हम यहाँ पर इसको जो है ब्लूटूथ पे इस पर स्पीकर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सोल्डर आयरन को उठाएंगे और यार लाइट आने के बाद मैंने इस चीज़ को सोल्डर कर लिया है, ब्लूटूथ को सीधे यहाँ पर स्पीकर से अटैच कर दिया है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइज मैं आपको एक बार दिखाना था, तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर एक वायर को मैंने अटैच कर दिया है लाल वाले को यानी कि प्लस पॉइंट को, और नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है यानी कि माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पर अटैच कर दिया है जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर शायद ठीक से न दे रहा हो गाइज क्योंकि उतना अच्छा हमारा कैमरा नहीं है जो कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर गाइज इसको हम इस वाले डिब्बे के अंदर अब डाल देते हैं जो काफी आसान और सिंपल। तो गाइस यार कुछ इस प्रकार से हमारा माचिस ब्लूटूथ बन के रेडी हो गया है, और इसको हम यहाँ पर दोबारा से बंद कर देंगे। तो गाइस अब ये प्योर लग रहा है कि यार ये एक अच्छे तरीके से बन के हमारा ब्लूटूथ चालू हो गया है। तो गाइस यार सबसे पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, और टेस्ट करने के लिए यार मुझे इसको कुछ इस प्रकार से निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी मैं एक तीली ले लूँगा इसी में से, और यहाँ पर गाइस इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच बना हुआ है जो कि इसको हम दबा देंगे इसी तीली की सहायता से ताकि हमारा ये ब्लूटूथ ऑन हो जाए और इसमें लाइट भी जलने लगेगा। तो गाइस यार हमारा ब्लूटूथ चालू हो गया है, और अब हम इसको बंद कर देते हैं और ये बन के रेडी हो गया। अब गाइस किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ब्लूटूथ है या माचिस है, बस यहाँ पर इसको आवाज़ आएगी, और मैं यहाँ पर गाइस इसका आवाज़ सुनाकर दिखाता हूँ। थोड़ा सा अपने इस वाले मोबाइल से मैं कनेक्ट कर लूँगा इस वाले माचिस के डिब्बे को, तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और तो गाइस यार यहाँ पर आप देख सकते हो ये 100% चार्जिंग इसका फुल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का। और अब जो है इसको मैं बजा कर दिखाता हूँ आपको, इसका आवाज़ भी सुनाकर दिखाऊंगा गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो डन करता हूँ, उसके बाद बिल्कुल क्लियर रहे और कोई भी दिक्कत ना हो, आपको ये शक ना रह जाए कि अभी ये यार ठीक से नहीं बज रहा है। तो गाइस अब सुनेंगे आप यहाँ पर इस वाले, यहाँ पर मैं गाना बजाने जा रहा हूँ।
तरीके से काम भी कर रहा है, बाज भी रहा है। तो रही बात अब इसको कॉल की यार, तो इससे आप बात भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है जो हमारे कॉल को ट्रांसफ़र करके हमारे अच्छे से आवाज़ को काफ़ी क्लियर सुनाई देगा। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और तो गाइस यार रहा सवाल बात करने का, तो ये जो मैंने डिजिटल ब्लूटूथ बनाया है इससे यार आप बात कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको टेस्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं आपको दिखा देता अगर, लेकिन अभी के टाइम में बात करके किसी से भी नहीं दिखा सकता हूँ। और आप लोग इसे बना लो, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, एक बार चार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा इसकी बैटरी बैकअप भी है और काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है, तो आप इसे बना लो, काफ़ी ज़्यादा काम की है। आज का वीडियो बस यहीं पर, हम मिलते हैं इसके नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।